जैसा कि सब जानते हैं, गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। देश विदेश में इसकी धूमधाम देखने को नजर आ रही है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को बहुत ही धूमधाम के साथ घर में लेकर आते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। भक्त 10 दिन तक इनकी पूजा आराधना करते हैं और फिर इनका विसर्जन किया जाता है। भगवान गणपति का विसर्जन कितने दिनों बाद करना चाहिए, इस विषय पर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गणेश उत्सव के दौरान गणपति का विसर्जन आप कितने दिनों बाद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी मजबूरी के चलते कई लोग 10 दिनों तक इनकी सेवा करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे में कई भक्त परेशान रहते हैं, क्या करें। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो बप्पा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन ही करना चाहिए। बता दें, साल 2024 में अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। लेकिन अगर किसी कारणवश, जैसे आप कहीं जा रहे हैं या घर में कोई कार्यक्रम है जिस वजह से बप्पा का ध्यान न रख पाए, या फिर अचानक घर में कोई विघ्न आ जाए, या फिर 10 दिन गणेशा की पूजा करना संभव न हो, तो आप इस स्थिति में 1.5, 5 या 7 दिन में भी गणेश जी का विधिवत विसर्जन कर देते हैं। इसका भी उतना ही शुभ फल मिलता है जितना अनंत चतुर्थी के दिन विसर्जन करने पे मिलता है। बताते चलें, गणेश जी को विदा करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले नहा धोकर पवित्रता का पालन बेहद जरूरी है। जिस स्थान पर बप्पा विराजमान हो, उस जगह की साफ सफाई करना भी बेहद जरूरी है। इसके बाद गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक, पुष्प, फल, मोदक, दुर्वा आदि अर्पण करना चाहिए। बप्पा के सामने दीपक जलाकर उनकी आरती करें, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद धूमधाम से बप्पा को विदा करें। अग्नि पुराण में बताया गया है कि पत्थर और मिट्टी से बनी मूर्ति को नदी में विसर्जित करना चाहिए। वहीं रत्न और धातुओं से बनी मूर्तियों को समुद्र में बहाना चाहिए। अगर आप अपने घर में मिट्टी या पत्थर से बनी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने वाले हैं, तो आपको नदी के जल में इसे प्रवाहित करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने घर पर मिट्टी और बालू की मदद से प्रतिमा बनाते हैं, तो इसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन्हें नदियों में बहाने से नदियों में गंदगी नहीं होती, जबकि बाजार में मिलने वाली ज्यादातर प्रतिमाओं में केमिकल मिले होते हैं, जिससे जलीय जीवों को परेशानी हो सकती है। इसलिए गणेश जी की प्रतिमा का चुनाव आपको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। We'll be right back.